डभोई नगर में बहुचर्चित बने वैसे श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइन को ऑपरेटिव बैंक में 3,15,00,000 रुपए की धोखाधड़ी घोटाले करने वाले वैसे बैंक के अधिकारी उमेश कंसारा को आखिरकार दिल्ली से धर पकड़ा गया, जहां टोरंटो से दिल्ली उतरने के बाद सीधा ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करते हुए बाद डभोई नगर में लाया गया था। डभोई नगर में बहुचर्चित बने वैसे श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइन को ऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस के दो अधिकारियों ने दो संतों की झूठी साइन करवाने के साथ 3,15,00,000 रुपए का घोटाला रचा था, जिसमें जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद एक भेजाबाज वैसा उमेश कंसारा कैनेडा के टोरंटो से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी की गई। डभोई की श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइन को ऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा 2023 तीसरे महीने में बैंकिंग कार्य पर प्रतिबंध लादते हुए रिकवरी करने के लिए कामगिरी जारी की थी। आरबीआई द्वारा 11 जुलाई 2023 के दिन बैंक को शो कॉज नोटिस भी दी गई। 3,15,00,000 रुपए की उचापत यानी कि घोटाले में अनऑपरेट वैसे दो खाता से किया गया होने का खुलासा हुआ था। बैंक में जारी की गई वैसी जांच के तहत बैंक में फर्ज अदा करता वैसा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर द्वारा स्वामी देव स्वरूप दास, गुरु प्रसाद और संत प्रिय दास कृष्ण प्रसाद नीलकंठ धाम डभोई के खाता से बैलेंस नहीं होने के बावजूद दोनों को चेकबुक नहीं देने के तहत यहां पर झूठे साइन करवाकर रुपए की लेन देन की थी। ऐसे में मैनेजर वैसा सुरेश छोटाभाई पटेल, असिस्टेंट मैनेजर यतीन महेंद्र प्रसाद जोशी और ऑफिसर उमेश शांतिलाल कंसरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, जहां अपराधी की गिरफ्तारी करने के बाद एक धोखेबाज अपराधी वैसा उमेश कंसारा कुछ घोटाला प्रकाश में आए उससे पहले ही मई महीने में कनाडा भाग निकला था, जहां दौरान वो टोरंटो से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने की मिली जानकारी के आधार पर डभोई पुलिस ने एयरपोर्ट पर से उसे धर पकड़ लिया, जहां एलओसी इश्यू करते हुए उमेश कंसारा को कल ही टोरंटो से दिल्ली उतरने के साथ उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अटकायत करते हुए बाद डभोई पुलिस के हवाले किया था।